नमस्कार, स्वागत है आपका livecities.in में और मैं हूं अंकिता। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। राजा जदयू के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बना जोकीहाट। सीएम नीतीश के बाद आज उदाहाट पहुंचे तेजस्वी यादव। जनता से सीधे संवाद में दिया सीएम को जवाब। नीतीश कुमार विकास नहीं जनादेश का अपमान कर करते हैं विनाश। जोकीहाट उपचुनाव से पहले बढ़ा राजद का टेंशन। सांसद सरफराज आलम के खिलाफ महापंचायत लगाने की धमकी। माफी मांगने के लिए मिला है 48 घंटे का अल्टीमेटम। डॉक्टर से दबंगई का है मामला। जोकीहाट उपचुनाव के लिए एलजेपी ने जारी किया निर्देश। अपने विधायकों पूर्व विधायकों को पार्टी ने कहा चुनाव क्षेत्र में करें जदयू प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार। पार्टी सुप्रीमो रामविलास पासवान और सांसद चिराग पासवान का फैसला। पटना में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दी सफाई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर बोले मनोज तिवारी, देश में जनता को बरगला रही है कांग्रेस। कांग्रेस सरकार में भी बढ़ा है दाम। कांग्रेस देश भर में मनाएगी विश्वासघात दिवस। बिहार में जिला लेवल पर होगा धरना प्रदर्शन। कांग्रेस प्रभारी कौकब कादरी ने दी जानकारी, जनता को बताई जाएगी मोदी सरकार की सच्चाई। शनिवार को पटना में राजद निकालेगा आक्रोश मार्च। शाम 6 बजे राजद कार्यालय से डाक बंगला तक होगा मार्च। पेट्रोल की कीमत और किसानों की समस्या होंगे मुद्दे। राजद नेता रघुवंश सिंह ने दी जानकारी। मुंबई में लालू प्रसाद से अस्पताल मिलने पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता। एशियन हार्ट हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे रजा मुराद। लालू प्रसाद से मिलके काफी खुश दिखे रजा मुराद। लालू संग खिंचवाई फोटो भी। बोधगया ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने 5 आरोपियों को दिया दोषी करार। 31 मई को होगा सजा का ऐलान। 7 जुलाई 2013 को महाबोधि मंदिर में हुआ था सीरियल ब्लास्ट। गया में जीटी रोड पर टोल प्लाजा से 25 लाख की लूट। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने किया फायरिंग। पुलिस ने क्विक एक्शन से दबोचा 2 अपराधियों को। लूट के 2 लाख रुपए भी बरामद। दूसरे जुमे पर पटना में सड़कों पर नमाजियों की भीड़। तपती गर्मी में दुआ के लिए उठे हजारों हाथ। जामा मस्जिद पटना में रोजेदारों ने मांगी दुआ। माहे रमजान का है यह पहला अशरा और दूसरा जुमा। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां। आप देखते रहिए livecities.in।